हेलो बच्चों, आज हम क्लास टेंथ का जो सेकेंड चैप्टर हो रहा था, टेंथ का चैप्टर टू जो हो रहा था, उसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने बताई थी। उसमें एक था जीरोज बताया गया था और पॉलीनोमियल बताया गया था, शून्यक और बहुपद बताया गया था। आज कुछ आगे हम बात करने जा रहे हैं कि किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। इसको देखने के पहले, इसकी पहले का वीडियो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने ना देखा हो तो इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लीजिएगा, जरूर जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक जीरोज नहीं मालूम होगा आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। देखिए ध्यान से, पहले हम एक बहुपद मानते हैं कि माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। देखो इक्वल टू नहीं किया हमने, जीरो इक्वल टू नहीं किया, जो समीकरण नहीं है, इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, जिसको गुणांक कहते हैं, वो ए है, एक्स साथ जो है वो बी है और कांस्टेंट सी है। एक्स की घात कितनी है, पावर कितनी है, दो है। जितनी पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं। तो हमने मान लिया कि माना, जिसको लेट कहते हैं, अल्फा एंड बीटा ये शून्यक है। क्या है ये शून्यक है, यानी अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये जीरोस है। हिंदी वाले हिंदी देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ये याद रखिएगा, बी अपान ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है। बी बोले तो एक्स का जो कोफिशियंट है, गुणांक है, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और सी नियतांक है। हमें इससे ही तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेशन निकालना, ठीक। अब जरा समझिएगा, अगर मैं मान लूं कि किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का एक शून्यक अल्फा है, मतलब एक एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा। एक्स मैं लिख रहा हूं, टेंथ क्लास नहीं लिख रहा हूं, ये एक्स है। एक एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा है। तो अल्फा को इधर ले आओ तो एक्स माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा, इक्वल टू जीरो कर सकते हो, ये एक फैक्टर होगा, नहीं होगा। और अगर एक एक्स की वैल्यू बीटा है तो बीटा को इधर ले आओ तो एक्स माइनस बीटा इसका एक गुणनखंड होगा। अगर मैं कहूं कि ये जो फैक्टर्स हैं वो किस पॉलिनोमियल के हैं, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, एक्स माइनस बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चूंकि ये इक्वेशन नहीं है, समीकरण नहीं है, इसीलिए इक्वल टू जीरो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक। अगर यही इक्वेशन होता, समीकरण होता, तो इक्वल टू जीरो भी लिखता, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जरा ध्यान से समझिएगा, अल्फा बीटा क्या थे, शून्यक थे। अगर हमें शून्यक मालूम है, जीरोज मालूम है, और हमसे कहेंगे वो कौन सा पॉलीनोमियल है, वो कौन सा बहुपद है भाई, तो आप कहेंगे ये बहुपद है, ठीक। जरा इसका समीकरण देखिए क्या दिख रहा है, माइनस ये क्या है, ये है शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल नहीं दिया हुआ है, इनटू एक्स। और ये क्या है, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर आपको शून्य निकालना है, इसको तुलना करनी है, तो ऐसे निकाल लो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अगर ऐसा दिया हुआ है आपको और आपसे कहा गया वो कौन सा बहुपद है, कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर के चल रहे हैं, बहुत छोटे से थोड़े से क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी वैलिडिटी थोड़े से ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसी को डिस्कस करने हम जा रहे हैं। जरा समझिएगा, एक्सरसाइज 2.2 खोलिए, किताब सबके सामने होगी, पहले उसको खोल लीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक और शून्यांकों
के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए. फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशियंट्स. पहले जीरोस फाइंड करने, जरा समझिएगा इसका. पहले का पहला क्वेश्चन देखिएगा. इक्वेशन दी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये दी हुई है. अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर साथ क्या आ रहा है ए, यहां क्या आ रहा है वन, तो ए की वैल्यू क्या होगी वन. हम बार बार नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा. ए क्वेश्चन में लिख रहा हूं बी की वैल्यू क्या होगी माइनस टू और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस एट. ये तो मैंने निकाल लिया. अब मुझे अल्फा बीटा निकालना है, मुझको नहीं मालूम, उनका निकाल के दिखाओ. तो देखिए अब इस इक्वेशन को दोबारा नोट करिए. नाइन्थ क्लास में आपने पढ़े हुए गुणनखंड फैक्टर्स पढ़े होंगे, इनको फैक्टर करिए. एट के ऐसे टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस टू हो, जिनका अंतर टू हो. तो फोर टू जा एट होता है, एक मिनट सॉरी, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस एट. तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, यहां से एक्स कॉमन ले लीजिएगा एक्स माइनस फोर, यहां से प्लस टू कॉमन ले लीजिएगा एक्स माइनस फोर, एक एक्स माइनस फोर हो जाएगा, एक एक्स प्लस टू हो जाएगा. आपको शून्यक निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, वो वैल्यू जो किसी पॉलिनामियल को जीरो कर दे. एक बार इसको जीरो करिए, एक्स माइनस फोर को जीरो करिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी फोर, इसी को आप मानेंगे अल्फा. ठीक, एक बार एक्स प्लस टू को जीरो करिए, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, इसी को मानेंगे आप बीटा. ठीक, अब देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, माइनस बी अपॉन ए निकाल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो आएगा फोर माइनस टू, तो टू आ गया. और अगर मैं माइनस बी अपॉन ए निकालता हूं तो टू अपॉन वन आएगा, तब भी टू आएगा नहीं आएगा. तो आपने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू सेम आ रही है. उन्होंने यही तो आपसे कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, जीरो ज्ञात कीजिए और उनका इसके साथ रिलेशनशिप दिखाइए और वेरीफाई करिए. तो आपने कहा भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, जो कि मैंने फार्मूला लिख रखा था. अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या आएगा, फोर इंटू माइनस टू एट आएगा, और अगर सी अपॉन ए करें तभी माइनस एट आएगा. तो ये दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे हैं. तो ये आप पहले इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में आप इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर इससे वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, अब कुछ पार्ट है समझिएगा. सेकेंड पार्ट पहले देख लीजिएगा, इसको हम एबीसी को रब करेंगे. क्वेश्चन चूंकि बार बार लिखना पड़ेगा हमको, बस इतना सब में यही रखेंगे हम, इसको ऐसे रखेंगे. अच्छा ठीक है, रब करिए इसको, देखिए ध्यान से. सेकेंड पार्ट देखिएगा क्या बता रहा है. फैक्टर्स आने चाहिए, गुणनखंड आपने पढ़े नाइन्थ में, पढ़ लीजिएगा उसको. फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन. तो यहां x की जगह s आ गया है, तो यहां कंपेयर आपका एस स्क्वायर से हो जाएगा. बस ये है समीकरण, वही रहेगा. तो a की वैल्यू आ गई फोर, b की वैल्यू आ गई माइनस फोर, c की वैल्यू आ गई वन. अब देखिए इसका करिए फैक्टर, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन. वन फोर जा फोर, फोर के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर फोर आए, टू टू जा फोर, तो आएगा दो दूनी चार, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन. यहां से टू एस कॉमन, तो आएगा एस माइनस वन, यहां से सॉरी टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन, यहां से माइनस वन कॉमन, टू एस माइनस वन, यहां आया टू एस माइनस वन, यहां आया टू एस माइनस वन. एक बार टू एस माइनस वन को जीरो करो तो एस का मान वन बाई टू आएगा, ए को अल्फा मान लोगे, और दोबारा भी इसको जीरो करो तो एस की वैल्यू फिर वन बाई टू आएगी, इसको आप बीटा मान लीजिएगा. ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालो, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, वन आएगी वैल्यू. और अगर आप माइनस बी अपॉन ए करो, माइनस बी अपॉन ए करो,
तो माइनस माइनस फोर अपान फोर तब भी बनाएगी वैल्यू। तो आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए के इक्वल आ रही नहीं आ रही है, यही तो तुलना करना था कि इक्वल आएगी नहीं आएगी। अगर अल्फा इंटू बीटा करो इनका मल्टीप्लाई करो वन बाई टू इंटू वन बाई टू तो वन बाई फोर आएगी, अगर सी अपान ए कर दो तब भी वन बाई फोर आएगा। यानी कंपेयर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, बहुत सेम है, इसमें केवल गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, ये नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाया भी गया है, आपने पढ़ा होगा। थर्ड पार्ट कह रहा है सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स थर्ड पार्ट देखिए, सिक्स एक्स स्क्वायर हम x को पहले लिखेंगे माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। इसको अगर कंपेयर करें हम तो एक इसको किसे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस सेवन आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का थ्री आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उठाओ सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, छत्तु अठारह माइनस साइन लगा है, अठारह के ऐसे टुकड़े जिनको माइनस करने पर सेवन आए, नौ दून अठारह नाइन माइनस टू सेवन होता है, तो क्या आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। यहां से कितना कॉमन है थ्री एक्स कॉमन है, टू एक्स माइनस थ्री। अब आप कहेंगे गुणनखंड नहीं पढ़ा रहे या फैक्टर नहीं बता रहे, वे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहां से प्लस वन कॉमन हो जाएगा तो आएगा टू एक्स माइनस थ्री, तो यहां से टू एक्स माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा, यहां से 3x प्लस वन कॉमन हो जाएगा। एक बार 2x माइनस थ्री को जीरो करो x का मान कितना आएगा 3 अपान टू, और एक बार 3x प्लस वन को जीरो करो x की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई थ्री। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। देखो अगर आप अल्फा प्लस बीटा फिर निकालो 3 बाई टू माइनस वन बाई थ्री, थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री, सिक्स एलसीएम नाइन माइनस टू सेवन बाई सिक्स हो गया। अगर माइनस बी अपान ए करोगे तो क्या आएगा सेवन बाई सिक्स ही तो आएगा, तो इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, वैल्यू सेम आ रही है। अल्फा इंटू बीटा करो थ्री बाई टू इंटू वन बाई थ्री, यानी वन बाई टू आएगा, और अगर अल्फा इंटू बीटा करो सॉरी माइनस सी अपान ए करोगे, सी अपान ए करोगे तो वन बाई टू ही तो आएगा। एक मिनट, ये माइनस वन बाई थ्री है, ये माइनस वन बाई थ्री है, ये माइनस वन बाई टू आएगा, तो दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे हैं, ये कंपेयर हो गया। ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए, बहुत सारे छह पार्ट यहां पर है, फोर्थ पार्ट देखिए, ये कंपेयर आप लैंग्वेज अपने आप लिख लेंगे, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, फोर्थ पार्ट फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। अब देखो इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर जीरो। यू को हम ऐसे बना रहे हैं इसलिए जिससे कि वो फोर न समझ में आ जाए। देखो यू स्क्वायर साथ क्या आ रहा है फोर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई फोर, यू के साथ एट, बी की वैल्यू हो गई एट, और सी यहां है नहीं जीरो हो गया। ठीक, अब इसको फैक्टर करो, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू इज इक्वल टू जीरो, एट यू है, यहां से फोर यू कॉमन, u प्लस टू बराबर जीरो, ये एक बार u का मान जीरो आ जाएगा, इसको अल्फा मानेंगे, एक बार u प्लस टू बराबर जीरो, u की वैल्यू आ गई माइनस टू, इसको आप बीटा मानेंगे। देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो जीरो माइनस टू तो माइनस टू आएगा, और माइनस बी अपान ए करो तभी माइनस टू आएगा, तो इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हो तो जीरो आएगा, और यही सी अपान ए आएगा जीरो अपान फोर, तो कंपेयर हो गया इसको। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट, इसका देखिए, बहुत जल्दी बता रहे हैं क्योंकि गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक मिनट जरा इसको रिचार्ज कर लें, इसको रिफिल करना पड़ेगा, तब तक अगला फिफ्थ पार्ट आप लगाइए अपने आप, कुछ प्रैक्टिस करिए, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए थोड़ा सा और इसको अपने आप लगाइए। यही नियम होता है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला नियम ये है कि आप अपने आप लगाइए,
जब आप उसमें कहीं अटक जाइए तब उस वीडियो की हेल्प लीजिए, पूरा पूरा आप उतार डालोगे तो आपका दिमाग उसमें नहीं चलेगा। देखिए फिफ्थ पार्ट कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब प्रॉब्लम ये है यहां पर कंपेयर किससे करें, तो कंपेयर करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0। देखो टी स्क्वायर साथ ए आ रहा है तो ए की वैल्यू यहां क्या है 1, यहां 1 आ रहा है, टी यहां है नहीं तो बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15। अब इसके फैक्टर करिए, देखो टी स्क्वायर इसके दो तरीके फैक्टर कर सकते हैं, 15 को लिख दो रूट 15 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, तो एक में टी प्लस रूट 15 आएगा और एक में टी माइनस रूट 15 आएगा। एक बार इसको जीरो करो, टी प्लस रूट 15 को जीरो करो, टी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का रूट 15, और एक बार टी माइनस रूट 15 को जीरो करो, टी की वैल्यू आएगी रूट 15। तो एक को आप अल्फा मानोगे एक को आप बीटा मानोगे। एक सेकेंड जरा थोड़ा एक देख लें, वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए अब आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा है आपका माइनस रूट 15 और बीटा है आपका रूट 15 प्लस का, तो जीरो आ जाएगा। अगर बी अपान ए करोगे 0/1 तभी तो जीरो आएगा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा करो 15 इंटू माइनस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो माइनस का 15 आएगा। अगर सी अपान ए करोगे तभी माइनस का 15 आएगा, इज इक्वल टू सी अपान ए, तो दीज वैल्यूज आर सेम। तो ये फिफ्थ पार्ट है, एक पार्ट आपका होमवर्क है, अपने आप करिए। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी अजीब है, सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, है कुछ दम नहीं, अभी उसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। देखिए ध्यान से, सेकेंड कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग और गुणनखंड दी गई संख्याएं। देखिए ध्यान से कह क्या रहा है, सेकेंड का पहला पार्ट कह रहा है कि जो इसके शून्यक है ना, जीरोज अल्फा और बीटा है, पहले उनका सम दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है पहले पार्ट में 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया है यहां पर माइनस का 1। तो कहते हैं वो पॉलिनोमियल, वो बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल वो बहुपद क्या होगा, अभी हम बता चुके हैं, होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बताया गया, रख दो वैल्यू उठा करके, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का 1, ये चूंकि माइनस में दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसी में चेंज करते जाओ, सेकेंड पार्ट में अल्फा प्लस दिया है रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, तो यहां रख दो उठा करके, यहां रूट 2 रख दोगे, यहां 1/3 रख दोगे प्लस का, ये प्लस होता है ना यहां पर, प्लस में दिया गया है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का रूट 2x प्लस का 1/3, आ गया आंसर। वैल्यू रखनी उठा करके, चाहो तो एलसीएम ले लो, लघुत्तम लेकर के, या यही कुछ छोड़ दीजिएगा। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 और अल्फा इंटू बीटा है रूट 5, ये रूट 5 है, तो यहां रख दीजिए 0 और यहां रख दीजिएगा, सॉरी ये तो फॉर्मूला है, यहां रख दीजिए 0 और यहां रख दीजिए रूट 5। अब 0 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5, क्योंकि 0 वाला पार्ट ही हट जाएगा, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया है, फोर्थ पार्ट देखिए,
और अल्फा इंटू बीटा भी वन दिया है, तो यहां वन रख दीजिए, यहां भी वन रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा इन्होंने, अब फिफ्थ सिक्स अपने आप करिएगा, ठीक है, वैल्यू दे रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसको कर लीजिएगा। अच्छा देख लीजिए फिफ्थ सिक्स, देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस वन बाई फोर, और अल्फा इंटू बीटा दिया है वन बाई फोर, तो यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का वन बाई फोर और ये प्लस का वन बाई फोर, जिसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर। हो सकता है यही आंसर दिया हो सकता है उन्होंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया हो। सिक्स पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस दिया है फोर और अल्फा इंटू बीटा दिया है वन, ये सिक्स पार्ट है, तो यहां पर आ जाएगा फोर, यहां पर आ जाएगा वन, यहां पर आ जाएगा माइनस का फोर, यहां पर आ जाएगा वन। किस प्रकार से बहुपद आएंगे, इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।